अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल फाइकास्ट ऑल्सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके साथ वाले बेल आइकन पे भी आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मामा मैं ठीक हूँ। मामा मैं भी ठीक हूँ। अच्छा बेटा, आपका पहला दिन कैसा गुजरा? मामा मेरा तो बहुत अच्छा गुजरा। फाइका से पूछे आप उसका दिन कैसा गुजरा। मामा मेरा भी बहुत ही ज्यादा अच्छा दिन गुजरा। मामा आपको पता है हमारे पीटी सर ने हमें नई बिल्डिंग दिखाई। हाँ मामा मुझे भी दिखाई थी, लाइन बाय लाइन हम देखे और इतनी प्यारी बिल्डिंग थी मामा, आप देखते ही हैरान हो जाती। मामा हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है, प्लीज खाने के लिए कुछ दे दें। ओके बेटा आप लोग फ्रेश होकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। ओके मामा। मामा मामा आप प्लीज इधर आए। क्या हुआ बेटा? मामा बासु ने हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और होमवर्क भी फिनिश कर लिया, तो प्लीज हम लोग बाहर जाके खेल सकते हैं क्या? ठीक है बेटा आप लोग जाओ, पर फाइका आयशा का ख्याल रखना और रोड पे नहीं खेलना, फुटपाथ पे खेलना है और अंधेरा होने से पहले पहले आप लोगों को घर आना है, ठीक है? ओके मामा। यार फाइका और आयशा अभी तक नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम, हम आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार हम यही सोच रहे थे कि हो सकता है तुम लोग ना हो, तुम लोगों को कोई काम पर गया हो। नहीं यार, बस हम लोग अभी स्कूल से आए थे, स्कूल के बाद हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद होमवर्क किया और एक घंटा तो लग ही गया, इसलिए हम लेट आए हैं थोड़ा सा। और कैसी हो बताओ, ये तुम हाल चाल अपना? मैं भी बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ। यार तुम इन बातों को छोड़ो, चलो यार आओ खेलते हैं। इन बातों को छोड़ो, हम पता नहीं किस बातों में लग गए। चलो यार खेलें। हाँ यार मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है खेलने। स्वीपर का है, हमारा काम नहीं है। लेकिन बेटा बहुत बुरी बात है, हमें अपने घर मोहल्ले और अपने शहर को खुद साफ रखना चाहिए। हमारे ये हमारा मुल्क है, हम इसको साफ नहीं रखेंगे तो कौन साफ रखेगा? हमारी जिम्मेदारी है कि हमें इसको साफ रखना चाहिए और आइंदा के बाद आप कभी भी गंद नहीं करूंगी यहाँ पे। ओके पापा। ओके अंकल। ओके अंकल। ओफ इतना ज्यादा गंद है, हम लोगों ने कितना गंद मचाया है ना यार। पापा आप बिल्कुल सही कह रहे थे, सुपर अंकल को कितनी मुश्किल होती है अगर वो साफ करते तो। हाँ बेटा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा अपने गली मोहल्ले को साफ रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हम इसको साफ नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तो हमें हमेशा अपने मुल्क को साफ रखना चाहिए।